चलती ट्रेन में यात्रियों के मोबाइल बैग और अन्य कीमती सामान चुराने वाले एक शातिर चोर को नागपुर लोहमार्ग पुलिस के स्थानीय अपराध शाखा दल ने गिरफ्तार कर लिया है। उल्लेखनीय है कि चलती ट्रेनों में यात्रियों के पर्स, मोबाइल और अन्य कीमती सामान चोरी की जाने की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस अधीक्षक एम राजकुमार ने स्थानीय अपराध शाखा को निर्देश जारी किए और अपर पुलिस अधीक्षक वैशाली शिंदे, उप विभागीय पुलिस अधिकारी अनंत तारगे और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विकास कानपिल्लेवार के मार्गदर्शन और पुलिस उप निरीक्षक प्रवीण भीमटे के नेतृत्व में एक टीम तैयार की गई। इसी दौरान 28 मई को एक युवक द्वारा चलती ट्रेनों में चोरी किए जाने और उक्त युवक के बल्लारशाह रेलवे स्टेशन पर मौजूद होने की गोपनीय जानकारी पुलिस को मिली। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने आरोपी को धर लिया और कड़ी पूछताछ शुरू की तो बल्लारशाह से बरनेरा के बीच यात्रियों के बैग और मोबाइल चुराने का जुर्म उसने कबूल कर लिया। कंटिन्यूस दोन चोऱ्या झालेल्या होत्या लेडीजपर्स। अनिकेत कुंबरे राहणार मारेगाव यवतमाळ हा मुलगा या गाडीमध्ये फिरतो आणि चोऱ्या करतो, तर त्या दृष्टीने आम्ही एक टीम याच्यापूर्वी पण त्याच्यावर यवतमाळमध्ये दोन गुन्हे दाखल आहेत चोरी घरपोडीची, तर ती माहिती आम्हाला मिळालेली होती आणि तो ह्या वरोरा परिसरामध्येच वावरतो आणि नशा वगैरे करतो अशी माहिती मिळालेली, तर त्या माहितीच्या आधारेच आम्ही त्याला अटक केली आणि त्याच्याकडून हा मुद्देमाल जप्त केला। आरोपी अनिकेत दादाराव कुमरे के पास से रेलवे पुलिस वर्धा में अपराध क्रमांक 175/22 की धारा 379 के तहत दर्ज चोरी प्रकरण में एक लैपटॉप और अन्य सामान, बरनेरा में 91/22 की धारा 379 के तहत दर्ज मोबाइल चोरी और अन्य चोरी गई 7 मोबाइल सहित कुल 128,945 का माल बरामद किया गया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।